हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत समय बाद आज मैं फिर आपके साथ एक बहुत अच्छे से वीडियो के साथ आई हूँ। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, फ्रेश मिंट लीव्स। हाँ जी हाँ, ये मिंट लीव्स मेरे ही टेरेस गार्डन की है। और आप इसके साइज़, इसके टेक्सचर, और आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी, कितनी सुंदर, घनी है। और आपको ये जानकर बहुत विश्वास ही नहीं होगा कि ये जो मिंट लीव्स का जो पौधा है, ये मैंने जस्ट कलम से लगाया है। सच में ये मैंने कलम से लगाया है। मार्केट से तो आप वैसे भी पुदीना की पत्तियाँ लेते ही हैं मॉकटेल्स बनाने के लिए, या करीज में डालने के लिए, बिरयानी में डालने के लिए। बस उसी के ही टुकड़ों से मैंने इस कलम को लगाया है और रिज़ल्ट आपके सामने आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि ये मैंने कैसे लगाया है। सबसे पहले तो ये बेस्ट सीज़न है, तो आप कम से कम अपने टेरेस गार्डन में या आप अपने बैल्कनी में एक गमले में, एक पॉट में तो आप पुदीना की पत्तियाँ ज़रूर ग्रो कर सकते हैं। आप ज़रूर करिएगा फ्रेश मिंट लीव्स, वो भी घर की, क्या बात है। देखिए ये एक पॉट है, जैसा आप देख ही रहे हैं, नॉर्मल से मिट्टी थी, उसे बस मैंने हल्का सा, उसे आपने देखा होगा, हल्का सा बस मैंने इसे मिक्स किया। और अब जो मैं डाल रही हूँ ये नॉर्मल खाद है। नॉर्मल खाद यानी नॉर्मल जो गोबर की जो खाद होती, काउ डंग जो होता है, बस ये काउ डंग फर्टिलाइज़र है, नॉर्मल सा, जो भी आसपास आपके अवेलेबल हो उसे आप इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास अच्छा वाला अवेलेबल था, साथ में मैं इसमें एक और भी खाद डालूंगी, मैं दिखाऊंगी वीडियो में। सबसे पहले तो मैं इस पूरे पॉट को खाद से भर रही हूँ, यानी कि हाफ मैंने इसमें मिट्टी रखी थी पुरानी, इसमें जो भी फ्लावर्स लगे हुए थे इस पॉट में वो मैंने उखाड़ के फेंक दिया। फिर वही मिट्टी यानी वही सॉइल को हल्का सा गीला करके, और गीला करने की ज़रूरत ही नहीं है, मॉनसून चल रहा है, ये बाहर रखे रखे ही पूरा पॉट जो है वो गीला ही था। इसमें बस मैंने खाद डाली हुई है, जैसा आप देख रहे हैं नॉर्मल सी खाद है ये। खाद को डालने के बाद अच्छे से बस मैंने इसे मिक्स किया है, ताकि जो खाद है और जो सॉइल है वो आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। देख लीजिएगा कुछ भी घास वगैरह होगी तो आप उसे निकाल दीजिए। ये जो है ये नॉर्मल जो ड्राई खाद है, ये आप अवॉइड कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल थी इसलिए मैंने इसे डाली है। अगर आपके पास ये नहीं अवेलेबल हो तो आप इसे नॉर्मली स्किप कर दें, कोई ज़रूरत नहीं है। बिना इस खाद के भी आपके जो मिंट लीव्स है वो बहुत अच्छी होगी, गारंटी है। आप ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि फ्रेश धनिया पत्ती, फ्रेश पुदीना पत्ती तो घर की ही सबसे बेस्ट लगती है। क्या ये थोड़ी थोड़ी पत्तियों के लिए आपको बाज़ार जाना पड़ता है? तो देखिए यही मैं आपको बता रही थी कि इस तरीके से जो मैंने रखी हुई थी, बाज़ार से मंगवाया था, जो मैंने आधी तो मॉकटेल बना लिया, आधी को करी में डाल दिया, अब जो बची थी उसको बस आप ये ध्यान रखिए कि नीचे जो है उसकी जड़ें ना रहें, उसको अच्छे से आप नीचे से कैंची से काटिए, थोड़ी सी पत्तियाँ निकालिए उसकी, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं हमने नीचे नीचे की निकाल दी। और बस आप इसे थोड़ा सा स्पेस देते हुए आप इसे इसे सॉइल में जो है वो गड़ाते जाइए। देख रहे हैं, आपको वीडियो में देख के तो समझ आ ही रहा होगा कि ये किस तरीके से इसका प्रोसेस किया जा रहा है। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा गारंटेड जो है ये इसका रिज़ल्ट है। तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, आप भी अपने टेरेस गार्डन में, अपनी बैल्कोनी में, या अपने किचन में, किचन के विंडो के पास भी आप छोटे से पॉट में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तो इसको चाहिए नहीं, सनलाइट चाहिए नहीं रहता, बस पानी इसको बहुत चाहिए। तो आप पानी इसमें बराबर डालिएगा, कभी भी पानी मिस मत करिएगा, यानी कि इसका जो सॉइल है वो हमेशा अच्छा गीला होना चाहिए। पुदीना की पत्तियों का बस और एक कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ पानी चाहिए रहता है। तो ये मैंने सारे के सारे छोटे छोटे जो कलम था मेरा, जो मैंने मार्केट से पुदीना पत्ती का जो बंडल मंगाया था उसको आधा यूज़ करके जो बच गई थी, उनको इस तरीके से मैंने, देखिए बहुत अच्छे से इसे स्पेस दे दे के थोड़ा सा गड़ा दिया है। सेकेंड पार्ट, अब ये देखिए ये विटामिन है, मतलब प्लांट विटामिन बोलते हैं, ये प्लांट विटामिन है मेरे पास। तो ये मैंने करीबन आधे ग्लास में मैंने इसमें 4 से 5 बूंद डाली है। अगर ये आपके पास ना हो तो इसका अल्टरनेटिव मैं आपको बता रही हूँ। ये मेरे पास था विटामिन, अगर आप गार्डन लवर हैं तो डेफिनेटली आपके पास भी ये सारी चीज़ें होंगी, और अगर आप, आपके पास नहीं है तो इसका अल्टरनेटिव मैं ज़रूर बताऊँगी। ये मैंने डाला है, पहले तो स्प्रिंकल किया है, इससे क्या होता है कि कुछ भी फंगस नहीं लगेगा, कुछ इसके जो ग्रोथ है रूट्स का वो बहुत अच्छे से होगी। देखिए अगर आपके पास ये विटामिन नहीं है तो अभी मैंगो का सीज़न है, आप मैंगो खाते हैं, उसका जो पील होता है, उसकी जो सीड होती है, उसे आप फेंके नहीं, उसे आप 1 लीटर पानी में एक पूरे मैंगो के छिलके और बीज सहित डाल दीजिए, 3 दिन उसे छांव में रखिए, छानने के बाद उस पानी को आप अपने पौधे में, कोई भी पौधों में,
चाहे पुदीना की पत्ती हो या कोई भी पौधे में आप उसे डालिए, आपके पौधे लहलहा उठेंगे। बस उसके बाद मैंने वाटरिंग दिया है, देखा होगा आपने वीडियो में किस तरीके से मैंने वाटरिंग दी है। बस आप शावर जैसे ही वाटरिंग दीजिए, बहुत ज़्यादा क्योंकि न्यू प्लांट है, छोटी बेबी प्लांट है, तो इनको एकदम ज़्यादा नहीं देना है पानी, हमें बस स्प्रिंकल टाइप का पानी देना है। और बस आप रिज़ल्ट देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये वही 5 से 6-8 कलम थे और अभी देखिए इनका, आप इनकी ग्रोथ देखिए, आप इनका टेक्सचर कलर देखिए, आप इसकी पत्तियों का साइज़ देखिए। आप मार्केट से भी लेंगे ना तो आपको एकदम सूखी सूखी सी काली काली सी पत्तियों वाला बंडल मिलेगा, क्यों ना आप ये अपने घर में उगाए। और ये भी है, ये सिर्फ 1 मंथ ग्रो है, यानी 1 महीने में आपकी ये जो मिंट लीव्स की ग्रोथ है वो पूरी फुल ग्रोथ हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसी सीज़न में बिना देर के आज ही आप पुदीना पत्ती के बंडल बाज़ार से मंगवाइए, आधे का मॉकटेल बना के पीजिए, कुछ बिरयानी बनाइए, चटनी बनाइए, और जो बच जाए उसके कलम से आप आज ही अपने घर में इस पुदीना पत्ती को ज़रूर अपने पॉट में लगाइए और उसका रिज़ल्ट 1 महीने बाद आपके सामने इस तरीके से आएगा। मेरा वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा क्योंकि ये बहुत बेहतरीन वीडियो है। मुझे नहीं लगा था कि मेरा जो मिंट लीव्स है वो इतना अच्छा सक्सेस होगा। मुझे लगा कि जब मेरा इतना अच्छा सक्सेस हुआ है तो क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट में मुझे बताइए कैसा लगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।